अजवा साहब ने अपनी स्पीच के अंदर अगले दिन फरमा दिया है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सियासी शिकस्त थी, कौम को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने वहां पे हथियार डाले थे। बाजवा साहब इस तरह ना करें प्लीज। पाकिस्तान का हर सियासतदान आपने पैदा किया है, हर सियासतदान। अयूब खान क्या था, किस तरह आया, एक जहाज के हादसे की वजह से वो पावर में आया, किस तरीके से उसके बच्चे ने तबाहियां फेरी और अभी तक उसका पोता कैबिनेट के अंदर है। पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया सर। इंडिया। इंडिया जीता कैसे? लड़के भाई, ऑफ कोर्स लड़के जीता होगा ना। लड़के जीता कैसे पता चला कि पाकिस्तान हारा उस जंग में, इंडिया जीता? सर वो ये है कि जो पहली जंग हुई थी ना, वो मेरे इतना ज़हन में था कि पहली जंग के बाद जो दूसरी जंग हुई थी वो इंडिया जीता था। अभी हमारे आर्मी चीफ साहब रिटायर हो रहे थे, रिटायर होते होते उन्होंने एक इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जब 71 की जंग थी, 71 के जंग के अंदर इंडिया कहता कि भाई तुम्हारे 93,000 जो सोल्जर्स थे वो इंडिया के कब्जे में थे, उन्होंने सिलेंडर कर दिया था पाकिस्तान की फौज ने। तो उन्होंने आर्मी चीफ ने ये इसको क्लियरिफिकेशन करते हुए कहा 9300 नहीं थे, 93,000 नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई 43,000 थे। सर देखें, पहले तो मुझे पता ही अभी चला कि आर्मी चीफ रिटायर हो चुका है, पुराना नया आ गया। इसके पता था क्योंकि मैंने न्यूज़ चैनल व्यू कर रहा था, पता था मुझे। उन्होंने ये बयान दिया कि क्या आपको लगता है कि हमारे फौज ने सिलेंडर किया होगा? नहीं किया होगा भाई। जब आगे 2,500 के ढाई मतलब के 2,50,000 हो तो आप सिलेंडर ही करेंगे या नहीं? हमारी कौम में इतना, हमारी फौज में भी और हमारी कौम में भी इतना जज्बा है कि वो ना किसी का आसानी से ढेर नहीं हो सकते। हमारे अभी आर्मी चीफ ने कहा, इसको कैसे डिनाई कर सकते? सर देखें, अब आर्मी चीफ अल्लाह। बाजवा साहब ने अपनी स्पीच के अंदर अगले दिन फरमा दिया है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सियासी शिकस्त थी, कौम को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने वहां पे हथियार डाले थे। बाजवा साहब इस तरह ना करें प्लीज। पाकिस्तान का हर सियासतदान आपने पैदा किया है, हर सियासतदान। अयूब खान क्या था, किस तरह आया, एक जहाज के हादसे की वजह से वो पावर में आया, किस तरीके से उसके बच्चे ने तबाहियां फेरी और अभी तक उसका पोता कैबिनेट के अंदर है। और मैं गारंटी से कह देता हूं, पाकिस्तान के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती आपकी मर्जी के बगैर। और मैं यहां यह कहना चाहूंगा, बल्कि बिलखसूस उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कई चीजों की एडमिशन किया, उन्होंने कहा हमने सारा मुल्क हमने ही तबाह किया है, लेकिन फरवरी के अंदर हमने फैसला कर लिया था कि अब हम चादर लेके तो यहां से राइट कर लेंगे। चारों टायर फ्लैट गाड़ी के, इंजन तबाह, क्लच प्लेट उड़ी हुई है, सिर्फ एक स्टेयरिंग अंदर मौजूद है और उन्होंने कहा ये चाबियां ले ली थी। बल्कि मैं कल कह रहा था ये स्पीच जो थी बाजवा साहब की, ये 1947 में होनी चाहिए थी, ये 75 साल लेट है ये स्पीच। आज हम बात करेंगे, अपने व्यूवर्स को बताएं कि एक बहुत ही अहम स्पीच जो कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की, और इसको एक अलविदाई खिताब कहा गया, शोहदा के एक जो तकरीब थी उसमें स्पीच उन्होंने की। इसमें उन्होंने बहुत ही अहम बातें कर डाली, यानी माजी से लेकर और हाल तक अभी तक के बहुत से बड़े बड़े वाकयात पर उन्होंने बात की, उन्होंने जमहूरियत पे बात की। जैसा कि उनकी एक सबसे अहम बात से हम स्टार्ट किए लेते हैं सर, आपकी तरफ सवाल मैं ये लेकर आ रही हूँ कि हर जगह पर जो एक हेडलाइन नजर आ रही है इस वक्त जो पब्लिश हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने कहा कि मैं आज एक ऐसे मौजू पर बात भी करना चाहता हूँ जिस पर अमूमन लोग बात